हाय फ्रेंड, आई एम जरक्षा जेबल और आप देख रहे हैं जरक्षा जेबल टेक्स। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा कि आप एक न्यू स्टाइल के साथ ग्लास फ्रंट किस तरह से बना सकते हैं। बिल्कुल इजी स्टेप्स है, हर स्टेप्स फॉलो कीजिएगा और लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। जो मेरे चैनल पर नहीं है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए आज का ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने स्लैब को ओपन करना है, थ्री डॉट पर क्लिक करनी है, यूज इमेज फ्रॉम गैलरी। आपने गैलरी से कोई भी पिक ले लेनी जिस पे आपने नेम टाइप करना है। पिक मैंने ले ली है, कोई भी आपने नेम टाइप कर लेना है। मैंने माया लिख ली है। आपने इस पे फॉन्ट लगाना है, जो फॉन्ट्स मैं लगाऊंगा इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आपने इसकी कॉपी करनी है, कॉपी करने के बाद आपने लिखना है बड़ा ए और यहाँ पे आपने फॉन्ट्स लगा देना है बोनस हार्ट। इसकी कॉपी कर लेनी है, कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पे लगा देना है। अब आपने फ्रेंड एक इंपोर्ट करना है डिज़ाइन, ठीक है। इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जितने फॉन्ट्स मैं यूज़ करूंगा और डिज़ाइन, ठीक है। तो आपने वहाँ अगर ये आप ना भी लगाएं तो कोई इशू नहीं है, अगर आप लगा भी लें तो इससे आपका जो नेम जो ग्लास वांट है वो खूबसूरत दिखेगा, ठीक है। तो आपने इसकी करना क्या, आपने कलर इसका चेंज कर लेना है, कलर आपने वाइट कर लेना है, ठीक है। और रोटेट कर लेना है, रोटेट करने के बाद आपने इसका साइज़ बिल्कुल ही कम कर लेना है। ठीक, अब आपने इसका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट कर देना है और यहाँ पे क्लिक करके इसको आपने अल्ट्रा में सेव कर लेना है। अल्ट्रा में सेव हो गया, आपने पीएस टच में जाना है। पीएस टच को आपने करना है ओपन। ओपन करने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल आपने प्लस पे क्लिक करनी है और यहाँ से आपने जाना है फोटो लेयर पे। अब आपने आना है पिक्स आर्ट वाले फोल्डर में और सबसे पहले आपने अपनी पिक ऐड करनी है, ठीक है। पिक मैंने ऐड कर ली है। अब आने आपने प्लस पे क्लिक करनी है और इस प्लस पे क्लिक करनी है और फोटो लेयर पे आपने जाना है। फिर ऑप्शन आएगा फोटो लाइब्रेरी का, तो आपने पिक स्लैब वाला फोल्डर ढूंढना है, यहाँ से जो आपने नेम लिखना है माया वो ऐड करना है। ऐड कर लिया है मैंने। अब इस लेयर पे क्लिक करके प्लस पे आपने क्लिक करनी है और डुप्लीकेट पे आपने सॉरी क्लिक करनी है दो दफ़ा। टोटल तीन लेयर होनी चाहिए, दो इसकी कॉपी कर लेनी। अब आपने करना कि आपने इस लेयर को सिलेक्ट करना है और आपने एफ एक्स में जाना है। एफ एक्स में जाने के बाद आपने लाइट में आना है, सर्कल पकड़ कर ऊपर ले जाना है, इसको फुल ब्लैक आपने कर देना है। ब्लैक करने के बाद आपने इस वाले ऑप्शन पर आना है, यहाँ पर आना है और यहाँ पे आपने आ जाना स्क्रीन इसको कर देना। आपने इस वाले ऑप्शन में आना है और आपने यहाँ पे आना है, आपने इस वाले ऑप्शन में जाना है, आपने इसका जो एंगल है ना ये काम कर लेना है। तकरीबन आपने 60 पे रख लेना है, बड़ा 8 रहने देना है और डिस्टेंस 4 रहने देना और इसको ओके कर देना है और सेम प्रोसेस यही करना है आपने और इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है। आपने लास्ट लेयर पे और आपने एफ एक्स में जाना है। एफ एक्स में जाने के बाद आपने बेवल में आ जाना है। बेवल में आपने आने के बाद आपने करना कि ब्लर जो है वो 65 रखना है, कलर ब्लैक कर देना और की डिस्टेंस ये 75 रखनी है, ठीक है। ब्लर 65, कलर ब्लैक और डिस्टेंस 75। अब आपने इस लेयर को फ्रेंड सेलेक्ट किए रखना है, ठीक है। एंगल अभी आपने चेंज सॉरी ब्लेंड मोड अभी चेंज आपने नहीं करना। आपने आना है इस वाले ऑप्शन में, यहाँ पे सिलेक्ट पिक्सल कर देना है, इस लेयर को सिलेक्ट किए रखना है और आपने एफ एक्स में जाना है, स्टेलाइज में जाना है और हाफ टून पैटर्न में जाना है।
यहाँ पे फोर ऑप्शन है, देखें एंगल साइज कलर टू कलर वन। कलर वन पे आपने रख लेना रेड, ठीक है, कलर टू पे आपने रख लेना येलो कलर, सॉरी कलर वन पे आपने येलो रखना है और कलर टू पे आपने रेड रखना है, ठीक है। इसका साइज़ जो है ना इसको फुल बढ़ा देना है आपने, 50 पे कर देना है, और जो इसका एंगल है ना इसको आपने आगे पीछे करके देख लेना है। मुझे यहाँ पे ठीक लग रहा है, 110 पे आपने एंगल रखना है, साइज़ आपने फुल कर देना है 50 पे, कलर टू पे रेड और कलर वन पे येलो, और ओके कर देना है। अब आपने आने आपने एफ एक्स में आपने रह के आपने स्टेलाइज में रहकर आपने पोस्टराइज कलर में जाना है। अब आप देखना 6 पे है, आप इसको फुल पे करेंगे नहीं, आपने इसको कर देना है 1 पे, ठीक है, 1 पे करेंगे तो ये देखें जो बीच में सर्कल है ना वो ज़्यादा वाज है नज़र आ रहा है, ठीक है, वाज नज़र आ गया। आपने पिक्सल ऑलरेडी डी सेलेक्ट है, अब आपने करना कि आपने फर्स्ट लेयर पे आना है और आपने एफ एक्स में जाना है, सॉरी लास्ट लेयर पे एक दफ़ा आपने बेवल लगाना है, एफ एक्स में जाकर आपने बेवल लगाना है, बेसक में जाकर पहले बेवल लगाना है फिर स्ट्रोक लगानी है, ठीक, बेवल लग गया। अब आपने फर्स्ट लेयर पे आकर एफ एक्स में जाना है और यहाँ पे ग्लो में आना है, यहाँ पे 0.6 और कलर वाइट, ठीक है, आपने इसको क्लिक करके इस पर क्लिक करके और डुप्लीकेट लेयर बना लेनी है इसकी, इस पर क्लिक करना है और प्लस पर क्लिक करके इसकी भी कॉपी कर लेनी है। लास्ट लेयर पे आना है, प्लस पर क्लिक करके इसकी भी डुप्लीकेट कॉपी करनी, और जो लास्ट लेयर का है ना ब्लेंड मोड फ्रेंड ये आपने कर देना ओवरले, ठीक है। यहाँ पर आप ग्लास ऑन रेडी हो गया फ्रेंड, आप कलर जिस जगह मैंने रेड रखा आप ब्लैक भी रख सकते हैं, ठीक है, तो थंबनेल पे मैंने आपको ब्लैक दिखाया है, ठीक है, आप कलर कोई भी रख सकते हैं, ग्लास वन ऐसे ही बनेगा मैथड बिल्कुल यही। आपने डन पे क्लिक करनी है और सेव पे क्लिक आपने कर देनी है। कुछ फ्रेंड को पता नहीं होता, वो सेव ग्लास वन तो बना लेते हैं लेकिन सेव करने का फ्रेंड उनको नहीं पता, आपने शेयर पे क्लिक करनी है, सेव टू, सॉरी वो किसी और नेम पे मैंने क्लिक कर दिए, सेव टू कलर पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्लिक आपने करनी है, तो यहाँ पे आपने PNG पे क्लिक करनी है पहले, फिर नेम पे क्लिक करके फिर ओके का ऑप्शन आएगा, ठीक है, तो ये देखें तो अब सेव हो गया। तो फ्रेंड आज का हमारा ये था ट्यूटोरियल, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।